हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WBCS का जो मैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूँ, तो ये आप लोगों को 2018 का इकोनॉमिक्स का जो 50 क्वेश्चन हो गए थे वो उसका अब सेकंड पार्ट है। ये आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 151 से लेकर 200 तक। यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स सेक्शन का। और जो लोग चैनल में फर्स्ट विजिट कर रहे हो, आप लोगों को मैं बता दूँ, जो क्लास है ये आप लोग का 16 नंबर क्लास है। इसके पहले 15 वीडियो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ आप लोगों को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, 2019 से 2014 तक जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो ये आप लोगों का 2018 का है, 2019 तो सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है, 2018 का भी आज या परसों आप लोगों का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का 2018 का 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 147, 48, 49 एंड 50, ये सब तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। और ये पॉलिटी का मैं वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आज ये 151 से स्टार्ट कराऊंगा। तो GST विल बी लिवाइड ऑन, GST किस किस चीज़ पे लिया जाएगा, तो मैन्युफैक्चरर्स, रिटेल एंड कंज्यूमर तीनों पे लिया जाएगा, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और आप लोग का इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हम लोग का वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये GST हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स सब चीज़ों पे लिया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और यहीं पर इसके ही रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन यहीं पर ही पढ़ लो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास GST। GST को पास करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये 101 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और एक मैं बता दूँ, ये पास तो हो गया था आप लोगों का 2017 में, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ था, RBI जो आप लोग का जितना भी पैसों का इम्प्लीमेंटेशन करता है, ये फिनेंस मिनिस्ट्री जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इनका जो टेनवर होता है एक साल का, जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनका जो जुलाई 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंटेशन या कम इन फोर्स हुआ था, ठीक है। तो GST कब से स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है आप लोग का GST के स्लैब्स, तो आप लोग को पता ही है, 5 होते हैं, 0%, 12%, 18%, 5% एंड 28%। मैक्सिमम 28% होता है, मिनिमम 0% होता है। देन 52, इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑन इंडिया, ये कौन, जो इंटरेस्ट होता है ये कौन रेगुलेट करता है, जो बैंक है, जैसे SBI में आपका अकाउंट है तो SBI ही आप लोग का क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा रेगुलेट करेगा। हर बैंक का अपना अपना अलग अलग सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट देते हैं वो होता है। जैसे आप लोग का बंधन बैंक में जाइए, 1 लाख के ऊपर रखोगे तो 6% मिलेगा, सिर्फ SBI में जाइए तो आप लोग को 4.5% मिलता है, से बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.5%, अभी तो 3% कुछ कर दिया। तो ये क्या है, हर बैंक में वेरी करता है, तो ये कोई रेगुलेट नहीं करता, नॉट रेगुलेटेड। यहाँ पे अगर कमर्शियल बैंक्स हो जाता तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाता। देन नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ रिवैम्प्ड पैनल ऑन अल्टरनेटिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो भी आप लोग क्वेश्चन आएगा, कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। और सेबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। देन नेक्स्ट 154, यहाँ पे जो इंदिरा आवास योजना है, इसमें स्टेट का एंड यूनियन का कितना शेयर, कितना रेशियो होता है भागीदारी हिस्सेदारी में, तो स्टेट आप लोग का 50% हेल्प करता है, सेंटर आप लोग का 50% हेल्प करता है, यानी कि दोनों का रेशियो होता है शेयर में 50-50 होता है। देन नेक्स्ट, हु वर्क्स एज RBI एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस एट इट्स ओन, यानी कि RBI का खुद का अगर ऑफिस नहीं है तो RBI का एजेंट कौन हिसाब से करता है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसको ही हम अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ RBI भी बोलते हैं। एकमात्र ऐसा बैंक जो आप लोगों का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग जब भी नेशनलाइज बैंक या पब्लिक बैंक्स में देखोगे तो SBI का नाम नहीं रहता, लेकिन ये सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। देन नेक्स्ट है आप लोग का 156, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द GST, आप लोग का भी बताया 101 नंबर। देन 157, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI बोलते हैं, हैज़ अप्रूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन IDBI बैंक। ये तब का करंट अफेयर्स था आप लोग का, LIC करेक्ट हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 158, द पब्लिक डेब्ट ऑफिस वर्क्स एज इन्वेस्टमेंट बैंकर टू, ये गवर्नमेंट के तरफ से इन्वेस्टमेंट बैंकर के हिसाब से काम करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज एबोलिश्ड बाई GST, GST ने किसको हटा दिया, अभी आप लोगों को बताया, GST ने VAT को हटाया, VAT जो पहले आया था, तो यही आप लोग का VAT का फुल फॉर्म अगर पूछ लेंगे तो वैल्यू एडेड सर्विसेज या वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हु मिंट्स कॉइन इन इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा
ध्यान से सुनिएगा, अगर नोट बोलते तो नोट कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, छापते हैं। बट कॉइन्स यानी कि कॉइन्स जो आप लोग के छपाई होता है या मिंट होता है तो ये कौन करता है? ये फिनेंस मिनिस्ट्री करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस करता है। देन नेक्स्ट है 161, एज पर मर्चीज 24 ये सबसे इन मोस्ट इन एक्सपेंसिव यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी तब का क्या था? मुंबई था, अभी भी मुंबई ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक फ्लैट लेने जाते हैं एक कमरा तो 10,000 रुपये लग जाता है। कोलकाता में आइए तो तीन कमरा 10,000 में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है 162, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बजट? बजट क्या है आप लोग का? एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या, जो भी एक्सपेंडिचर होगा और जो भी आप लोग का फिनेंसिंग चीज़ें होंगे वो सब आप लोग का जस्ट बताते हैं, तो ये आप लोग का बजट होता है। और बजट आर्टिकल 111 में नहीं है, 112 में है ये आर्टिकल में, ठीक है? तो क्या हो गया आप लोग का, सिर्फ पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 163, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री जनरल इंश्योरेंस, ये तब का करंट अफेयर्स था, यूटीआई और रियंटल इंस्ट्रूमेंट और आप लोग का नेशनल इंश्योरेंस, ये सब आप लोग का ऐड किया गया था। अभी तो आप लोग को जितने भी बैंक्स है, अभी तो टोटल आप लोग को कितने पास बैंक्स है, 12 हम लोग के नेशनलाइज बैंक्स हैं, और इन सब बैंक का जो मर्जर है ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जो मैंने करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहा हूँ उसमें जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में आप लोग को ये मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट जो सबसे ओल्डेस्ट है, इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है, ये आप लोग का बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, और ये बॉम्बे स्टॉक मार्केट 1877 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन नेक्स्ट है 165, इफ द गवर्नमेंट चूजेस टू स्पेंड मोर फ्रेशली प्रिंटेड बाय द आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इट शुड बी किप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस में रखा जाना चाहिए? ये आप लोग का डेफिसिट फिनेंसिंग में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन आरबीआई रिविजन ऑफ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होता है इसमें जो 10 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन से फ्रैक्शन में इसको चेंज किया जाता है? जैसे आप लोग का क्या है, रेपो रेट मान लीजिए 6% है, उसका वापस कमाएंगे या बढ़ाएंगे आप लोग का 6.50%, 6.50%, 6.30%, 5.20%, ऐसे करके बढ़ाते हैं। कभी भी आप लोग का वो ज़्यादा या कम जब भी करेंगे ऐसे करके नहीं बढ़ाते, 6.23% ऐसे करके कभी नहीं करते, ठीक है? तो आप लोगों का क्या है ऑल टाइम ये कौन से फ्रैक्शन में बढ़ाया कमा जाता है, आप लोग का 0.10% के हिसाब से कमाया बढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट है 167, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर में आता नहीं है? तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है आप लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो इनमें से देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीविजन, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा, तो ये टर्सियरी में नहीं होगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज करंट अकाउंट डेफिसिट, इनमें से कौन सा कॉज करता है? बोथ 2 एंड 3, अगर रिड्यूस ड्यूटी ऑन गोल्ड्स एंड बैन ऑफ एक्सपोर्ट ऑन ऑफ ऑनियन, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 169, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। देन नेक्स्ट 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन आरबीआई, आरबीआई पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? इट कैनॉट कम्पीट विद द कमर्शियल बैंक्स, ऑफकोर्स ये कम्पीट करता है। इट इज़ नॉट अलाउड टू पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऑफकोर्स ये डिपॉजिट में पेमेंट, जैसे आप लोग क्या क्या है आरबीआई में तो हम अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, बट बैंक लोग तो खोल सकते हैं। बैंक लोग जब अपना पैसे जमा करेंगे उनको अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो वो लोग ज़्यादा पैसे क्यों जमा करेंगे? तो वही क्या है, बैंक अगर पैसे जमा करता है ये ऑफकोर्स डेफिनेटली क्या एक इंटरेस्ट पेमेंट करता है आरबीआई बैंक्स को। ऐसे करके सबको ही आप लोग का नॉट 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 किया हुआ है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है? द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक हम डिमांड ड्राफ्ट को बोलते हैं, जिसे हम लोग डीडी भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ आरबीआई, आरबीआई का काम क्या नहीं है? बैंक ऑफ बैंकर्स ये सही है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी ये भी करता है, बट ये एलोकेशन ऑफ फंड डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये नहीं करता, क्योंकि आरबीआई का जो ब्रांच बोल सकते हो तो नबार्ड, NABARD, नबार्ड ये सब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है? देन नेक्स्ट है 173, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन
आप लोगों का कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, और फिस्कल पॉलिसी जो करता है फिनेंस मिनिस्ट्री करता है। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, कैश रिजर्व रेशियो जिसे सीआरआर बोलते हैं, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कुछ होता है, बट ब्लू चिप्स बोल के कुछ नहीं होता। तो ब्लू चिप्स ये नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। द नेक्स्ट 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रीजनेबल डिमांड्स फॉर एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन वाला जो भी है आरबीआई क्या रेगुलेट नहीं करता। देन 175, इफ़ कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर जिसे बोलते हैं, ठीक है, इज लोअर्ड बाय आरबीआई, सीआरआर अगर कमा दिया गया, इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग को मैंने बताया वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पूरा अच्छी तरह से सीआरआर, एसएलआर, देन बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब पे आप लोग अच्छे से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, जैसे क्या है कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को आरबीआई के पास कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आरबीआई बोल रहा है आप लोग को ज़्यादा पैसा नहीं रखना पड़ेगा, बैंक आप अपने पास पैसे रख सकते हो। तो क्या हो गया, आरबीआई के पास अगर ज़्यादा पैसा रह गया तो आरबीआई अपने पास एकदम कंट्रोल करके रखता है, बट वही पैसा क्या है बैंकों के पास चला गया, बैंक लोग क्या करेंगे इसको पीपल के पास दे देंगे। तो क्या होगा, अगर आप लोगों का कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई कमा देगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, और बैंक ये पैसा पीपल्स को देंगे इंटरेस्ट लेने के लिए। तो इससे होगा क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 176, नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस इन इंडिया हैज़ शोन ए टेंडेंसी टू राइज एट फास्टर रेट देन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बिकॉज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत है, जो भी है इसका करेक्ट आंसर जनरल प्राइस लेवल हैज़ राइजिंग फास्ट होगा। बोल रहे हो सर का क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर कैसे आ गया, तो आप लोग देखिएगा WBPSC जितने भी आप लोग के आंसर या क्वेश्चंस बनाते हैं, मैक्सिमम एक साइट है आप लोगों को मैं बता दूँ, कंप्यूटाइड बोल के है, कंप्यूटाइड, वो साइट आप लोग सर्च मारिएगा, वहाँ से आप लोग का पूरा क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट मार के दे देता है। बहुत सारे आप लोग क्लर्कशिप का अराउंड 50-60 क्वेश्चन वहीं से आया था, और जितने भी क्वेश्चन हैं वहीं से आप लोग को कॉपी पेस्ट मारता है। तो ये आप लोग को साइट में जाके देखिएगा, आंसर ये ऑप्शन ए ही है, ठीक है, ये आप लोग का थोड़ा सा सीक्रेट है, आप लोग क्या सीक्रेट है पढ़ो यार, जो भी है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये होगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, कौन सा गलत तरीके से मैच है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी नहीं होता, इंटरेस्ट रेट क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी होता है, और जनरल प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन सही है। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अगेन बोला कौन आप लोग को फॉर्मुलेट करता है, फिनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है आप लोग का, आरबीआई रेगुलेट करता है। देन आप लोग का जो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट ये जो भी है आप लोग का सेबी रेगुलेट करता है, और प्लानिंग कमीशन तो आप लोग को पता ही 5 ईयर प्लानिंग होता था, बट ये आप लोग का हटा देके नीति आयोग लेके आ गए हैं। देन नेक्स्ट 181, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी, जीएसटी क्या है, बोथ सेंट्रल स्टेट टैक्स विल बी कलेक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि ये क्या है, सेंट्रल स्टेट दोनों से कलेक्ट किया जाएगा, सेल के पॉइंट में ठही है। देन सेंट्रल ऑफ स्टेट विल चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये उन पे चार्ज नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा। 181, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान ए शिफ्टिंग इन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद लोअर एम्फोसिस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बढ़ाना था, तो ये कौन से 5 ईयर प्लानिंग में मेन इसको वो किया गया था, पॉइंट दिया गया था, मेन फोर्स दिया गया था, 8 नंबर प्लान में दिया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया 2018, ये अभी आप लोग का बढ़ चुका है, अभी कोई फिक्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर तब का 56 था, अभी ये आप लोग ना पढ़े तो बेहतर है। देन नेक्स्ट है द आरबीआई इशू, आरबीआई क्या इशू करता है, हर टाइप का करेंसी इशू करता है, बट सिर्फ 1 रुपये का करेंसी इशू नहीं करता, क्योंकि ये जो इशू करता है ये फिनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेट इशू करते हैं, और ये उसमें जो सिग्नेचर होता है फिनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, ठीक है, जो अभी आप लोग का अजय भूषण पांडे जी है। देन नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट
एक्ट कंसर्न्स, ये बोथ फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट को कंसर्न करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन बाय आरबीआई एम्स एट इंजेक्शन एंड इंक्रीज इन लिक्विडिटी, ये सब वही आरबीआई बेस रेट रेपो रेट इन सबसे है, तो यहाँ पे ये वाला गलत है। क्या है देखिए, रुपी अप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इम्पोर्ट, ये गलत है। अब रुपी अप्रिसिएशन क्या मतलब रहा है, मैं समझा दूँ, रुपी अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, पैसे का दाम बढ़ जाना। जैसे क्या है, अभी आप लोग का 76 रुपीज देने से आप लोग का एक डॉलर मिल रहा है, ऐसा है। आप लोग आसान भाषा में समझिए, 50 रुपये देने से आपको एक डॉलर मिल रहा है। अब क्या हुआ आपका, वही चीज़ आप लोग का जब रुपी का दाम बढ़ गया तब हम लोग 25 रुपये में एक डॉलर खरीद पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 50 रुपये में दो डॉलर खरीद पा रहे हैं, यानी कि हम लोग को पैसे का दाम बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, हम लोग का पैसे का दाम बढ़ गया यानी कि रुपी का अप्रिसिएशन हो गया, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएंगे, तो मतलब डॉलर ज़्यादा आ जाएगा ना। जहाँ पे आप पहले 25 रुपये में एक डॉलर खरीद पा रहे थे, वहाँ सॉरी 50 रुपये में एक डॉलर खरीद पा रहे थे, अब 50 रुपये में दो डॉलर खरीद पा रहे हो, तो डॉलर जब आप लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर से हम लोग ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं, यह ऐसा है, तो इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही क्या है, यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 186, इन्वेस्टमेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री एसेट हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं, जो आप लोग का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये जब बैंकिंग में पीओ में जब पढ़ाई करता था तब हम लोगों ने ये पढ़ा था। देन नेक्स्ट है 187, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप लोग का ये वाला गलत है, क्योंकि हम लोग को पता ही है 66 से 69 तक प्लेन हॉलीडे हुआ था सूखा आ जाने के कारण, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। देन नेक्स्ट है 188, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन स्टेटमेंट हैज़ बेस्ड अपॉन द मालोनबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ, मालोनबिस जो थे हम लोग के फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग भी इनको बोलते हैं, पीसी मालोनबिस जी को बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया था, सेकेंड फाइव ईयर प्लानिंग में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आया था, जिसमें आप लोग का हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया था, वहीं पर ही भिलाई राउरकेला एंड बोकारो ये सब स्टील प्लांट्स बनाए गए थे। और यहाँ पे बता दूँ, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आप लोग का फाइव ईयर प्लानिंग से आ रहा है, तो फाइव ईयर प्लानिंग के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप लोग ओला देख लीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होगा, आप लोग का बहुत सारे वीडियोस को कंपाइल करके, बहुत सारे बुक्स को कंपाइल करके ओला मैंने वीडियो बनाया है। देन नेक्स्ट 189, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज, जिस कौन सी कंपनी को किया गया था, मारुति को प्राइवेटाइज किया गया था, अभी तो इतने सारे बैंक कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट 190, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू ब्लॉक और हिंडर द कैपिटल आउटफ्लो एंड कंटेन्स द करेंसी डिप्रिशिएशन विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट पॉसिबल एक्शन, अब क्या है, रिजर्व बैंक क्या करना चाहता है, पैसे को रोक देना चाहता है, ज़्यादा पैसा कंट्रीज में मतलब आप लोग के पास ना जाए, तो क्या करेगा, जैसे क्या है, एक बैंक है, बैंक का भी इंटरेस्ट रेट तो कम गया है ना, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7.1% है अभी, तो ये क्या आप लोग को कम लग रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा इनसे इंटरेस्ट ले लोगे, पैसे ले लोगे, अब यही बैंक क्या करेगा, आप लोग का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 20% कर देगा, अब क्या करोगे आप लोग, अरे 20% पर इतना कौन इंटरेस्ट देगा, तो आप लोग पैसा नहीं लोगे, तो क्या है, अब जब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप लोग पैसे नहीं ले रहे, तो वही क्या है, आरबीआई भी वही करेगा, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो क्या करते हैं, बैंक लोग इंटरेस्ट रेट भी अपना बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है, पीपल लोग अब पैसा और ज़्यादा लेते नहीं है, तो इससे क्या होता है, जो पैसा है आउटफ्लो ज़्यादा नहीं होता, अपने पास ही रिजर्व रहता है। देन नेक्स्ट है 191, महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो मनरेगा बोलता है, ये एक्ट आप लोगों को 2005 में पास हुआ था, और ये इसमें एटलीस्ट कितने फ्रैक्शन जो है वोमेंस होने चाहिए, 1/3 पोर्शन आप लोग का वोमेंस होने चाहिए, यानी कि 30% वोमेंस होने चाहिए, ठीक है। और मनरेगा एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, बट लागू आप लोगों का 2006 में हुआ था। देन नेक्स्ट है आरबीआई, मनरेगा में आप लोगों को पता ही है मिनिमम 100 दिनों का काम होना चाहिए, और 92 आरबीआई हैज़ अलाउड विच बैंक टू बिकम स्मॉल बैंक्स अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, ये अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स को दिया था इन्होंने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 193, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज फाइव ईयर प्लान विच प्लान हैज़ ग्रोथ रेट टारगेटेड एक्सीड, यानी कि क्या है, कौन से प्लान में इन्होंने जो ग्रोथ रेट किया था उससे ज़्यादा हो बढ़ गया था, तो आप लोग का जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसमें अराउंड 2.1 जो भी है 2.1% इन्होंने टारगेट किया था, ये बढ़ के 3.6 आई थिंक हो गया था, परसेंटेज जो भी है
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा आप लोग का बढ़ गया था। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, डेवलपमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, डिफेंस एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं होता क्योंकि हम लोग को ये सेफ्टी के लिए होता है, इसमें डेवलपमेंट को कोई मजरा नहीं है। देन नेक्स्ट 195 नॉन रेसिडेंट इंडियन वांट टू गेट अप्रूवल अंडर गवर्नमेंट रूटीन्स फॉर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल इन इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट एजेंसी टू अप्रोच फॉर दिस एप्लीकेशन। किस जो FDI के लिए जितने भी काम सब करते हैं ना, जैसे आप लोगों मान लीजिए नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलिए या विदेश के कोई भी बंदा, जैसे जापान में कोई एक बंदा है वो बोल देगा सर मैं आप लोगों के किसी भी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा उससे उसको भी लाभ होगा देश को भी लाभ होगा, तो वो किससे अपना ऑर्डर पास करवाएगा या किससे ऑर्डर लेने जाएगा, डायरेक्ट RBI के पास जाएगा, डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, नहीं वो सबसे पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्ट पेज है आई थिंक, हाँ लास्ट पेज है 196 इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वॉज केप्ड इन कस्टडी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, येन होता है, यौन होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है एंड पाउंड होता है, ये पांच होते हैं। तो इन पांचों में ये सब पांच जो फॉरेन एक्सचेंज है ये कौन रिजर्व करके रखता है, ये हम लोग का RBI रिजर्व करके रखते हैं। देन 97 इफ द RBI ऑफ इंडिया वॉन्ट टू इंक्रीज द कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक्स विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल, अगेन ये हो गया आप लोगों का क्या है, वो बाहर से चीज़ें खरीदेगा तभी तो उसके पास क्या होगा कैश रिजर्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बाय बॉन्ड्स इन ओपन मार्केट, इसे OMO भी बोलते हैं, OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है 198 द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक बिलो विच इट इज नॉट वायबल टू लेंड, इसे क्या बोलते हैं बैंक बेस रेट। अब बेस रेट में आप लोगों को समझा दूंगा, तो अभी थोड़ा सा समझ लो क्या है, जैसे मेरा एक बैंक है, ठीक है, मैंने बैंक खोला, अब मेरा भाई या पापा जो भी है उन्होंने बोला मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, आप तो मेरे रिश्तेदार हो, आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट में मैं आप लोग को दे देता हूँ। इससे क्या होता है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, किसी और बंदे को मैं 5% में दे रहा हूँ और मेरे रिलेशंस को मैं 1% या 2% में दे रहा हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ है, यही चीज़ कौन कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करता है, किसी भी एक फिक्स रेट के नीचे आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो वो आप लोग का बेस रेट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी किसे बोलते हैं, M3 को बोलते हैं, नैरो मनी M1 को बोलते हैं, रिजर्व मनी आप लोग का M0 को बोलते हैं, ये सब अलग सा जो भी है मैं आप लोग को समझा दूंगा। मनी के ब्रॉड मनी, रिजर्व मनी, ये सब जितना भी है M1 M2 M3 M4 सब कुछ आप लोग को फॉर्मूलाज भी बता दूंगा, अलग से क्लास जब कराऊंगा। देन नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सेंटाइल लॉ ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ को बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग को मैंने पूरा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया सॉल्यूशन के साथ, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये सब वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके, और कोई भी कमेंट आप लोग को पूछना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।